पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के बरतरफ मुलाजमीन के एहतजाज को 240 रोज मुकम्मल हो चुके, जिन्हें अभी तक इंसाफ ना मिल सका। बरतरफ मुलाजमीन की हिमायत में आल पाकिस्तान इफेक्टिव एम्प्लाइज एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन जुनेद अवान की जानिब से पीसीसी के बरतरफ मुलाजमीन के लिए पूरे मुल्क में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तहरीक चलाने का आगाज़ किया गया है। दरियसना सकरण के मुलाजमीन ने तहरीक जारी रखते हुए आज भी सकरण इंस्टीट्यूट के मेन गेट पर एहतजाज किया। इस मौके पर मोहम्मद अमीन कीरियो और नसरुल्ला चाचड़ का कहना था कि हम एपिक की मरकजी क्यादत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हम बेसहारा मुलाजमीन के साथ यकजहती करते हुए 7 दिन पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, निगरान वजीर आजम, मिनिस्टर नेशनल फूड और नए आने वाले पीसीसी के सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अफजल से पुरजोर अपील करते हैं कि पाकिस्तान के इस तवील अरसे से जारी एहतियात का नोटिस लें और हमें बहाल करके इस इदारे की 8 माह से बंद रिसर्च को फाल किया जाए और पीसीसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मिनिस्ट्री नेशनल फूड की तरफ से गैर कानूनी तौर पर डी नोटिफाई कर दिया गया था, उसे फिल फोर बहाल किया जाए।